अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपकी फ्रेंड सोनिया आरिफ। मैं आज आपके लिए लाई हूँ लिपस्टिक बॉक्स, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोग लिपस्टिक्स को कैसे एक बॉक्स के अंदर डाल के रखते हैं और किस तरह हम लोग पार्लर में इसको यूज़ करते हैं। ये डिफरेंट किस्म की लिपस्टिक्स हैं आपके सामने, डिफरेंट कंपनीज हैं और डिफरेंट इसके कलर्स हैं। तो मैं अब आपके सामने इनको डब्बे में डालूँगी और आपको बताऊँगी कि किस तरह से हम लोग इनको ईजी एप्लीकेशन के लिए डाल के रखते हैं। ठीक है, तो चलें अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, जिसमें सबसे पहले मैं आपको पिंक के शेड दिखाऊंगी कि किस तरह से ये हमारा एक प्लास्टिक बॉक्स है जिसके अंदर मैं लिपस्टिक्स को डाल के रखूंगी। ये आप देख सकते हैं, ये चेक कर लें। ठीक है, ये इस तरह से है और इसको मैं इस तरह से बंद कर देती हूँ। ठीक है, ये आपके सामने है, ये आप चेक कर लें। इसके जितने भी ये बॉक्सेस बने हुए हैं, इसके अंदर हम लोग लिपस्टिक्स को डाल के रखेंगे, ये आप चेक कर लें। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो कि किस तरह से हम इसको मैनेज करेंगे। ये पहली लिपस्टिक है मेरी, ठीक है, पिंक में ये शेड है और ये क्रिस्टाइन की लिपस्टिक है। ये देख लें, क्रिस्टाइन की लिपस्टिक है और इसका नंबर है 518। ठीक है, तो ये मैं आपके सामने कटिंग करूँगी और कटिंग करके इसके अंदर ऐड करूँगी। ये मैंने इसके अंदर लिपस्टिक डाल ली। ठीक है, ये हमारी पहली लिपस्टिक हो गई। अब मैं आपको नेक्स्ट लिपस्टिक दिखाती हूँ। ये हमारी है जी मेडोरा की और ये हमारा कलर है 213 नंबर है। ये आप कलर चेक कर सकती हैं। ये मैं सेकंड रो में डालूँगी। ठीक है, फिर ये मेरे पास एक मेडोरा का कलर है जो पिंक शेड में है और इसका नंबर है 720। ये आप चेक कर सकते हैं, ये थोड़ा सा ग्लिटरी फॉर्म में है तो मैं इसको भी डाल देती हूँ इसमें। ठीक हो गया, और नेक्स्ट मेरे पास ये भी मेडोरा का कलर है, ये आप देख लें, ये पीच सा शेड है। ठीक है, और ये 358 इसका नंबर है और ये भी मैं डाल देती हूँ इसमें, ये आपके सामने। ठीक हो गया, उसके बाद मेरे पास ये रेड कलर है, रेड, ये आप देख सकते हैं मैं पार्लर में यूज़ करती रही हूँ और इसका नंबर है 38283। ये भी मैं इसमें डालने लगी हूँ कटिंग करके। फिर मेरे पास है ये पिंक कलर, ये भी मेडोरा का कलर है और इसका नंबर है जी 551, देख लें आप 551। ठीक है, ये भी मैं फ्रंट पे डालूँगी क्योंकि पिंक कलर ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए मैं पिंक फ्रंट पे डाल रही हूँ। ठीक है, अब ये मेरे पास एक मरजंडा सा बहुत खूबसूरत क्रिस्टाइन का कलर है, ये देखने क्रिस्टाइन की लिपस्टिक है और इसका नंबर है 312। नेक्स्ट मेरे पास ये स्किन सा कलर है, ये बहुत खूबसूरत कलर है, ये भी मेडोरा का कलर है और इसका नंबर है 552 मेडोरा। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मेरे पास एक कलर है, ये भी मेडोरा का कलर है। ठीक है, और इसका नंबर है 287। ये भी मैं कटिंग करके इसके अंदर डालने लगी हूँ, ये आपके सामने। ठीक हो गया, और उसके बाद मेरे पास ये एक नेकेड की लिपस्टिक पड़ी है,
आपको बताया था कि डिफरेंट किस्म की लिपस्टिक्स जो हैं मैं यूज़ करती हूँ, डिफरेंट कंपनी की, मेडोरा भी है, मिस रोज़ भी है, और काफ़ी सारी कंपनीज होती हैं जिनकी लिपस्टिक्स हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ, ठीक है। ठीक हो गया। उसके बाद मैं डालूंगी इसमें, ये एक स्किन सा कलर है मेरे पास, ये भी मैं कटिंग करके इसमें डालने लगी हूँ, ठीक है। ये भी बहुत प्यारा शेड है। और इसके अलावा एक और रेड कलर है, वो ये पिंक सा कलर है, ये पिंक है, ठीक है। और इसका नंबर ज़रा मिटा हुआ है, लेकिन ये भी मैं आपके सामने इसमें डालूंगी। बाकी जो लिपस्टिक्स बच जाती हैं वो भी हमारे यूज़ में आती हैं, लेकिन जो क्लाइंट हमसे कहता है कि आप हमें बॉक्स में से लिपस्टिक्स ना लगाएं, तो हम लोग जो है इसमें से लिपस्टिक लगा देते हैं, ठीक है। थर्ड मेरा ऑप्शन ये है कि मैं इसके अंदर, ये मेरी पर्सनल बेस बनेगी, ये मैंने खुद बनाई ये बेस, ठीक है। जो पार्लर में हम लोग बेस बनाते हैं, तो ये बेस जो है ये भी मैं इसमें डालूँगी, और मैं आपको बताऊँगी कि इसका यूज़ क्या है। ये आपके सामने मैं निकाल रही हूँ, ठीक है। तो ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, ये आप देख सकते हैं, ये बहुत बेस्ट तरीका है लिपस्टिक को यूज़ करने का। ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ, इजीली आप अपने क्लाइंट्स को लगा सकते हैं। और मैंने आपको कलर भी बता दिए, नंबर भी बता दिए कि किस तरह से हम लोग इसको इस बॉक्स में भरते हैं, ठीक है। ये हमारी स्टिक हो गई। अब उसके अलावा मेरे पास एक और चीज़ है, इसको कहते हैं वैसलीन, ठीक है। ये भी मैं इसमें डालूंगी, ये आपके सामने वैसलीन है, ठीक है। ये भी मैं इसमें भरूंगी, एक बॉक्स में एक डब्बे में मैं वैसलीन डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी लेकिन एक डब्बे में डाल दूँगी, ठीक है, एक बॉक्स में। अच्छा, उसके अलावा ये हमारी तो हो गई, कितनी लिपस्टिकें हो गई हैं जी। अब हमारे पास एक जो है वो खाली है, ये मेरे पास एक पिंक सा कलर है, ये भी मैं आपको डाल के दिखाती हूँ कि ये किस तरह से डालना है। ये पिंक कलर है, ये भी इसके अंदर जाएगा, ठीक है। ये अब इन सब लिपस्टिक्स को ना मैं इसके अंदर मेल्ट कर लूँगी, यानी कि इसके अंदर जो है इसको जब हम लोग यूज़ करते हैं तो वैसे भी ये जो है लिपस्टिक्स वो हो जाती हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इसमें वैसलीन और ये मैंने क्यों डाला, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने किस लिए डाला है। जब हम लिपस्टिक लगा रहे होते हैं, कोई भी लिपस्टिक होती है, ठीक है, वो जैसे कि अब मैं कोई लिपस्टिक लगाती हूँ तो उसका शेड जो है, अब ये जैसे कि ये लिपस्टिक है, ठीक है, इसको हम लोग ग्रीसी बनाने के लिए, ठीक है, कि हमारी लिपस्टिक जो है ना ग्लो करे, इसलिए मैंने डाला, ठीक है। ये आपके सामने, ये पिंक शेड मैं आपके सामने लगा रही हूँ, क्या आप देखें इसमें शाइन कितनी ज़्यादा आ गई है। ये जितनी भी लिपस्टिक्स मैंने डाली हैं इसमें, ये सारी मैट थी, कोई भी लिपस्टिक इसमें ऐसी नहीं थी जो मैट में ना हो, ठीक है, ये मैंने इसलिए डाला। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्यों इसमें ऐड किया, यानी कि ये स्टिक क्यों इसमें ऐड की। तो मैं ये भी आपको दिखाती हूँ कि जब हमें कोई कलर लाइट करना होता है, यानी कि कलर कैसे लाइट करते हैं। अब ये जो है ये इस तरह से ये हो गया, ठीक है। अब मुझे कोई कलर इसमें लाइट करना है, अब जैसे कि ये पिंक ही था, तो अब ये देखें कितना न्यूड सा और कितना अच्छा सा डिसेंट सा कलर बन गया ना। जबकि मैंने, अब आपको दिखाती हूँ कि इसमें मैं एक और कलर ऐड करूँगी, ठीक है। ये जो पीच कलर है ना, पीच कलर की लिपस्टिक है, हाँ चले मैं इसको ऐसे दिखा देती हूँ आपको। ये पीच कलर की जो लिपस्टिक है ना, इसको मैं इसके अंदर डालूँगी, इस तरह से अप्लाई करूँगी। मिक्सिंग है ये लिप्स के ऊपर, हम लोग किस तरह से मिक्सिंग करते हैं। ब्रश में, आप ब्रश के साथ नहीं दिखा रही लेकिन आपको बता रही हूँ, ये देखें अब ये कितना लाइट सा शेड। हम लोगों ने ये कलर लाइट करने के लिए ये जो स्टिक है ये इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। और लिपस्टिक हमारी जितनी भी हैं वो सारी मैट हैं, तो उनको ग्लोई करने के लिए मैंने ये वैसलीन इसके अंदर डाली है। ये देख लें आप, ये शेड आपके सामने कितना ज़बरदस्त हो गया ना,
कोई भी शेड, वैसे मैं आपको लगा के दिखाती हूँ तो ये मैट में है, ये इसमें शाइन नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू, आपने मेरी वीडियो को देखा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाकी ये बॉक्स जो है ये आपके सामने तैयार हो गया है, इन सब लिपस्टिक्स को इसके अंदर मैं मेल्ट करके डाल दूँगी और आपको फिर एक दफ़ा दिखा दूँगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा।